बधाई हो दोस्तों, फाइनली सेवा को रिद्धि के ब्लॉग में आप कुछ अलग होगा। नहीं, कंटेंट तो वही है, क्रिंज चेंज नहीं हुआ, बस कंटेंट के रूप में एक बच्चा पैदा हो गया। पैसा ही पैसा हो गया। अभी तक ये लोग वीडियो बनाते थे, रिद्धि को फीवर हो गया, सहवाग को दस्त लग गया, और भी वीडियो बनाएंगे, हमारे बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, अब हम क्या करें? अबे उल्लू के फटे डॉक्टर को दिखाना, जनता तेरी वीडियो देख के तेरे बच्चे को ठीक थोड़ी कर देगी, है ना? गोबर भरा है का तुम्हारे भेजे में? 25-30 साल के लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि हम भी जिंदगी में कुछ कर लेंगे, तो भाई हमारा भी शादी होगा, हमारा भी ब्याह होगा, लेकिन ये निब्बा निब्बे को देखो, इनकी लाइफ कितनी इजी और शॉर्टेड है। 10th फेल हो गए, शादी कर ली। अब एजुकेशनल सुख ना सही, शारीरिक सुख ही सही। जी, आंखें देखो, नियत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। स्वागत है आप सबका, तो आइए आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो मैं हूँ देविका गुप्ता, और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हो तो सारा सब्सक्राइब कर लेना है, बड़े मजे का, तुम सही बता रहे हो। ओके, थैंक यू। एक बार कैमरा में खुद को देख लो, सही तो आ रही हूँ? हाँ, ये कर लो पहले। भगवान से आप सब भी दुआ करना कि रिद्धि की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए और कुछ भी प्रॉब्लम ना हो रिद्धि की डिलीवरी होने में। हर दूसरे मिनट पे बोल रहे हमारे लिए प्रे करना। गाइस, रिद्धि का नौवा महीना चल रहा है, हमारा बच्चा अब कभी भी आ सकता है, कभी भी आने वाला है हमारा बच्चा। अबे हम सबको पता है नौवे महीने में ही बच्चा आता है, चपड़ गंजू। Stop it. Get some help. तू 20 बार बोल देगा तो 5वें महीने में बच्चा नहीं आ जाएगा, समझा? नहीं। मतलब बहुत खुजली आती है रिद्धि के पैर में, मतलब इतनी खुजली पूरा दीवार पे पैर घिस दे रही थी, और मेरे को रात के 3-3 और 4-4 बजे उठकर रिद्धि के पैर में खुजाना पड़ता है ना दीदी। खुजली बहुत होती है इसको, रात में उठ उठ के खुजलाना पड़ता है। बेटे, खुजली तो तुम दोनों में ही बहुत है, 15 की उम्र में शादी, 16 की उम्र में बच्चे, इससे ज्यादा क्या ही खुजली हो सकती है इंसान को। तुम्हें शर्म है कुछ? इनकी 7.5 मिनट की वीडियो में इन्होंने बस 4 चीज के बारे में बात करी है। रिद्धि का नौवा महीना शुरू हो गया है, रिद्धि के पैर में खुजली होती है रात में, मैं रात में रिद्धि के पैर खुजाता हूँ। गाइस, प्रे करना रिद्धि की नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। हाँ, प्रे करना तो बनता ही है, क्योंकि जिस उम्र में ये माँ बन रही है ना, उस उम्र में दुआओं की सख्त जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। साले तू, भाई साहब 7.5 मिनट की वीडियो में बस इसने इतना ही बोला है। इट्स लाइक एग्जाम में तुम्हें सीटी तो भरनी है, एक ही आंसर को 4 बार घुमा फिरा के लिख दो, किसी को क्या ही पता चलेगा। वैसे ये काम ये लोग एग्जाम में कर रहे होते तो आज कुछ बन रहे होते, 10th फेल नहीं होते। वैसे बन तो अभी भी रहे हैं माँ बाप। रिद्धि को हल्का हल्का लेबर पेन स्टार्ट हो गया था, तो अभी हम लोग आ गए हॉस्पिटल में, ने ये मेडिसिन लाने के लिए बोला है, तो अभी मैं इधर बाजू में जो मेडिकल है उधर ये मेडिसिन लेने के लिए जा रहा हूँ। अभी तेरी बीबी का लेबर पेन हो रहा है, डॉक्टर ने दवाई लिखी है, तो दवाई जल्दी जाके भाग के लेके आना, क्या मस्त वॉक करते जा रहा है, वीडियो बनाते जा रहा है, पागल है क्या? कंट्रोल। वहाँ बीबी हॉस्पिटल में लेटी हुई होगी, दर्द से चिल्ला रही होगी, ये मस्त वीडियो बनाते हुए जा रहा है। गाइस, तो मेरी बीबी लीवर पेन से तड़प रही है और मैं यहाँ वॉक करते हुए जा रहा हूँ दवाई लाने। दिस इज बिजनेस। स्टार्ट हो गया ज्यादा यार, ये वेट करके अभी मेरे को तो अंदर जाने नहीं दे रहे। भाई अच्छा, तुझे अंदर नहीं जाने दे रहे, वरना तू व्लॉग बनाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड करके आ जाता अंदर से। सही डिसीजन लिया डॉक्टर ने। हाँ, रिद्धि के पास गया था और अभी रिद्धि को रोता देखकर मेरे आँख में से भी पानी आने लगा। हाँ, शायद आग का पानी इनविजिबल है दोस्तों, तभी दिखाई नहीं दे रहा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो भी आज हम बेबी का फेस नहीं दिखाएंगे आपको, थोड़े दिन बाद दिखाएंगे। आज सिर्फ उसका नामकरण होगा और आपको पता चल जाएगा कि बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। बिल्कुल बिल्कुल, चेहरा दिखा देते हैं, गधे के गूंज जैसा कंटेंट कम नहीं हो जाएगा, और एक ही बार में थोड़ी दिखा देंगे ये सब। अभी वीडियो आई है बच्चे के नाम और जेंडर की, फिर वीडियो आएगी बच्चे के आँख कैसे है, फिर नाक, फिर मुँह, फिर बाल, फिर कान। कुछ अच्छा काम करो, अच्छे वीडियो बनाओ। इन सब के बाद आएगी वीडियो जिसमें ये दिखाएंगे अपने कर्मों का फल, मेरे मतलब अपने बच्चे का चेहरा। शर्म करो, भगवान से डरो। बेबी की बुआ, यही दीदी नाम रखने वाली बेबी का, तो आप जुड़े रहना, आपको पता चल जाएगा। अभी ये बुआ है और इनके एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ये जरा भी खुश नहीं है, अलग ही जोन में जी रही है बहन। Look at this dude. युवा? हाँ जी। ये कैसा नाम है, ऐसा लग रहा है मारुति सुजुकी की किसी बाइक का नाम हो। युवा रखा है हमने, ये देख सकते हो। ये क्या बोला तूने? युवा रखा है हमने,
ये देख सकते हो युवान, लेकिन अकल के अंदर लिखा तो तूने कुछ और ही है। अबे साले, इनकी जिंदगी में हर काम भाई साहब जल्दी जल्दी हो रहा है। फेल जल्दी जल्दी हो गए, शादी जल्दी जल्दी कर ली, बच्चा भी जल्दी जल्दी कर ली, और जल्दी जल्दी में बच्चे का नाम भी गलत लिख दिया। अबे बर्थ सर्टिफिकेट पे युवान लिख के आयो कि वहाँ पे भी युवा लिख के चले आए हो? वैसे ये देख करके गाइज मैं श्योर हो चुकी हूँ कि ये लोग 10th फेल नहीं है, क्योंकि ये लोग चौथी फेल है। भाई साहब चौथी क्लास के बच्चे तक कोई स्पेलिंग आती है यार, वो सब इतना लिख लेते हैं, ये 10th फेल होने के बाद भी नहीं लिख पा रहे। एन उल्टा चिपका दिया, वो बिल्कुल एच की तरह लग रहा है। इसकी बुआ, इसकी बीबी और ये बच्चे का बाप और एक अंकल और खड़े थे उधर, किसी ने नोटिस नहीं किया कि भैया ये युवान नहीं लिखा हुआ। यही नहीं, अभी और सुनिए, वीडियो का टाइटल तक ठीक नहीं लिखा गया है इन पे। फोर्थ फेल हो भाई तुम, फोर्थ फेल हो मान लो। टाइटल क्या लिखा है देखो, फाइनली आर बेबी जेंडर रिवील ?? बेबी बॉय आया या गिरी कमा, क्या लिखना चाह रहे थे तुम? अरे कहना क्या चाहते हो? ओह गॉड, फीलिंग वेरी पिटी फॉर द किड। देख रहे हो गाइस, 16 की उम्र में ये लोग अपना घर संभाल रहे हैं और तुमसे तुम्हारे हेयर फॉल नहीं संभाले जाते। लेकिन डोंट वरी, इसका सोल्यूशन है मेरे पास। वाव, स्किन साइंस लेके आया हैम्प हेयर प्रोडक्ट जिसमें है हैम्प। तो आइए पहले जानते हैं कि हैम्प होता क्या है। तो भाइयों, हैम्प एक टाइप का एशियन हर्ब है जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड और फैटी एसिड होते हैं, और साथ ही साथ काफी ज्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है इसमें, जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होती है हमारी बॉडी में। तो इसमें आता है हैम्प हेयर ऑयल, जो आपके बालों को मॉइस्चराइज करके स्ट्रेंथ बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। ये ऑयल 99.7% प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट से बना होता है और इसमें विटामिन ई युक्त भी होते हैं। इवन आपके बालों पे काफी लाइट वेट होता है और इजीली अब्सॉर्ब भी हो जाता है, और ये आपके डैमेज बालों को भी नरिश करने में पूरी हेल्प करता है। यही नहीं, हैम्प शैम्पू जो बनाया गया 95.58% नेचुरल इंग्रेडिएंट से, जो हमारे स्कैल्प से सीबम बिल्डअप को कम करने में और स्प्लिट एंड्स और हेयर फॉल से बचाने में हेल्प करता है। एंड हैम्प हेयर कंडीशनर, ये बनाया गया 90.25% नेचुरल इंग्रेडिएंट से। इसमें है हैम्प सीड ऑयल, शी बटर एंड आर्गन ऑयल, जो आपके बालों से फ्रीजीनेस दूर करते हुए हेयर इलास्टिसिटी और शाइन को बहुत बढ़ाता है। एंड एस वी ऑल नो, वाओ, के किसी भी प्रोडक्ट में हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किए जाते, लाइक सल्फेट, पैराबेन, मिनरल ऑयल एक्सेट्रा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाकर अपना ऑर्डर प्लेस कर लो। एंड यस, हर ऑर्डर पे आपको मिलेगा एक सीड पाउच जिसे आप प्लांट करके ग्रो होता देख सकते हो। बी वाओ नेचुरली। और सिर्फ इनके ही बच्चे के लिए बुरा नहीं लग रहा है मुझे, राजू रोशनी के बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है, और उनके होने वाले बच्चों के लिए तो और भी ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि इनका बच्चा ऋतिक ठीक से 1 साल का नहीं हुआ, अब वो भाई बनने वाला है। समझ रहे हो तुम? देख रहे हो? जल्दी इनकी, हम फर्स्ट। भाई साहब इतनी जल्दी तो लोग एक दूसरे का काट के नहीं जाते जितनी जल्दी ये लोग माँ बाप बने जा रहे हैं। साफ किया जा रहा है तो आप लोग देख सकते हो, ये रूम का भी साफ सफाई चल रहा है, तो इन लोग अभी थक गई है इसीलिए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। ये साफ सफाई हो रही है या गंदगी और फैलाई जा रही है? लास्ट टाइम भी जब मैंने इन पे वीडियो बनाई थी तब भी इनका घर इतना ही गंदा था। भाई सफाई उफाई भी कर लिया करो पॉपुलेशन बढ़ाने के अलावा। दे शर्मो, शर्म करो, शर्म, थोड़ा हाइजीन भी मेंटेन करके रखो। क्या कहना चाहेंगे आप? रोशनी जी फिर से प्रेग्नेंट है। क्या कहना चाहोगे बोलिए। देखो देखो शर्मा गई रोशनी बेटी। वाह क्या मुस्कुराहट है। वैसे शर्म आनी भी चाहिए। क्या किया जाए? क्या किया जाए? जो ऊपर वाले का मर्जी। अच्छा बात है। जो ऊपर वाले का मर्जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है भाई साहब। सारे कर्म कांड करो तुम, भाग के शादी करो तुम, बाल विवाह करो तुम, बच्चे पैदा करो तुम, और बाद में कह दो जो ऊपर वाले की मर्जी। कौन है ये पागल आदमी? हे भगवान, ये क्या है? आपका नाम खराब हो रहा है, देख रहे हो आप? आप बोलो तो आपके साइड से केस कर दूं मैं। अब इतने छोटे मोटे कामों के लिए आप थोड़ी आओगे नीचे, हम हैं संभाल लेंगे, बताओ आप। अच्छा। जो लेगा तुम लोग लेगा, अच्छा ही लेगा अपने लिए। जो डिसीजन लूं खुद से ही लूं। ये खुद का। इन लोगों को मत बोलो बहन डिसीजन लेने के लिए प्लीज। हाथ जोड़ के मैं। ये सस्ता पान मसाला खा के डिसीजन लेगा और इसके डिसीजन भी कुछ ऐसे ही होंगे। ऋतिक आ गया, अब ऋतिका बनाते हैं मस्त प्लान है। फिर ये रोहन, रूहानी, राज, रिया सब बनाएंगे, तब कहीं जा करके इनका होगा हैशटैग हैप्पी फैमिली, हम साथ साथ हैं। सोच रहे थे मैं मजाक कर रहा हूँ, बट ये मजाक नहीं है। नहीं 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 नहीं,
राजू भाई हमें आपसे पूरी उम्मीद है, आप इस टॉपिक पे मजाक कर ही नहीं सकते, पूरा भरोसा है हमें। एहे, रहा नहीं जाता। निब्बा जो ठहरे, एक तो भाई साहब ये लोग लिटरली वीडियो में कुछ भी दिखा रहे हैं, मतलब कुछ भी दिखा रहे हैं, देखो। और अभी यहाँ पे जनरेटर चल रहा है इसी वजह से बहुत आवाज आ रहा है, आप लोग को वो भी दिखा रहे हैं। अबे तो थोड़ा सा चाहू की मात्रा, ताई की मात्रा या आ की मात्रा है क्या? जनरेटर चल रहा है, ऑडियंस को आवाज आ गई, जाके दिखा रहा है कि देखो गाइस ये रहा जनरेटर, ये चल रहा है। अबे तू नहीं दिखाता तो ऑडियंस को तो पता ही नहीं चलता कि जनरेटर दिखता कैसा है। हमें तो पता ही नहीं था भाई जनरेटर की आवाज कैसी होती है, हम तो मानते ही नहीं। कुछ भी यही नहीं, अभी और देखिए। हम लोग का बाथरूम था, अभी यूज नहीं होता है, बहुत दिन पहले का बाथरूम है ये सब। कुछ नहीं, मेरा तो भाई अपना पुराना लैट्रिन दिखा रहा है जो कि इतना गंदा है। अरे मोरी मैया, इसका मोबाइल छीन लो, कोई छीन के जनरेटर के नीचे रख दो ताकि वो टूट जाए। बड़ी मेहरबानी होगी ऑडियंस पे। हाथ जोड़ के मैं। ये सब, ये पपीता का पेड़ सब गाइस आप लोग देख सकते हो, अपने से हुआ है घर का पीछे साइड पे। देख लो गाइस, देख लो पपीते का पेड़, जिंदगी में आपने कभी पपीते का पेड़ नहीं देखा होगा, ध्यान से देख लो कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना जाए कि चलो गाइस पपीते का पेड़ ड्राइंग करके दिखाओ कैसा होता है। अरे आजाद परिंदो, रुक जाओ दो मिनट, रुक जाओ, सांस ले लो थोड़ा। ऋत्विक क्या करेगा, रात चलाएगा मम्मी के साथ? ओहो हीरो। बेटा भी सोच रहा होगा कैसे मम्मी को लेके चला जाऊं, पापा आप तो मम्मी को फ्री रहने नहीं देते, मैं अभी एक साल का नहीं हुआ तो मेरा छोटा भाई या बहन आने वाला है, फिर वो जब एक साल का हो जाएगा फिर उसका छोटा भाई या बहन आने वाला होगा, मैं मम्मी को कैसे बैठा के घुमाने ले जाऊं। बच्चे के मुंह के एक्सप्रेशन देखो यार। कोड़िया बच्चा डर रहा है। कोड़िया बच्चा, वाह बहुत सही, इनको माँ बाप बनना है। कसम से बच्चा बोल सकता है ना तो जरूर बोलता। अबे साले, एक तो मेरी वजह से तेरी वीडियो चल रही है, मेरा क्यूट सा मुंह देख करके लोग आ जाते तेरी वीडियो देखने के लिए, और तू मुझे ही कोड़िया कह रहा है, सूअर कहीं का। सब के सब चोर है साले। सो गाइस, अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो यहाँ पे एक क्यूट लड़की का फोटो है, तो ये लड़की का फोटो अभी मैं ऋत्विक को दिखाता हूँ और वो कितना जल्दी आएगा आप लोग देखिएगा। ऋत्विक आओ आओ देख रहा है लड़की और से देख रहा आज चुम्मा लेना है। वाह गर्दा उड़ा दी है आप तो एकदम, वेल डन। ये इन्हीं दोनों का बच्चा हो सकता है गाइस, हैंस प्रूव्ड। इतने छोटे से ही बच्चे को ये लोग सिखा रहे हैं कि आगे चल के बच्चे को करना क्या है। जनता माफ नहीं करेगी। एक साल के बच्चे की गर्लफ्रेंड बनवा रहे हैं ये, बिल्कुल अपने बाप माँ के नक्शे कदम पे चलेगा इनका बच्चा, डिट्टो। एक तो बेचारे नन्नी सी जान के ऊपर अपने दोनों माँ बाप को पालने की जिम्मेदारी है गाइस, देख रहे हो आप। देख रहा है विनोद कैसे घर घर खेलने की उम्र में बच्चा पैदा किया जा रहा है, सब निब्बा निब्बी का रोग है। So guys, आज की वीडियो को बस इतना ही, होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना, और इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना ही मत भूलना, थैंक यू सो मच।